हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। हे माँ, पारिवारिक उलझने सुलझ ही नहीं रही हैं। एक के बाद एक विपत्तियां मेरी मन शांति को आग लगा रही है। आप तो भक्त वत्सल हैं, मुझे इन कष्टों से मुक्त करें माँ। वत्स, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम बाबा के पास जाओ, वहां जाकर तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारा मन फिर से स्थिर हो जाएगा। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम आ ही नहीं रहे। माँ सप्तशृंग देवी का साक्षात्कार होने के बाद तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। दीदी दीदी, पिताजी आ गए। अकेले? नहीं, उमाकांत भैया को साथ लेकर आए हैं। उमाकांत ने जो मेरे लिए किया है उसका धन्यवाद करने जा रही हूँ माँ। अगर तूने कदम घर के बाहर रखा तो? आज मुझे कोई नहीं रोक सकता माँ। तुम ठीक तो हो ना उमाकांत? अखंड लौट आया हूँ, कहीं से खंडित नहीं हुआ हूँ। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ। तुम किस भाषा में बोल रही हो? सुकन्या, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और दोस्ती में आभार, धन्यवाद, कृतज्ञ ऐसे शब्द नहीं होते। मेरे जीवन में बुरी तरह उथल पुथल मच गई है। नित नई उलझन, नित नई समस्या, जिस कारण मेरा मन बेचैन रहता है। अब उमाकांत हवालात में बंद है क्योंकि उसने सुकन्या के ससुराल में जाकर उनको मारा पीटा। अब मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। कल्याण हो वत्स। हे माँ, पारिवारिक उलझने सुलझ ही नहीं रही हैं। एक के बाद एक विपत्तियां मेरी मन शांति को आग लगा रही है। आप तो भक्त वत्सल हैं, मुझे इन कष्टों से मुक्त करें माँ। वत्स, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम बाबा के पास जाओ, वहां जाकर तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारा मन फिर से स्थिर हो जाएगा। माँ, बाबा? कौन से बाबा? माँ ने तो कह दिया कि बाबा के पास जाओ, लेकिन कहाँ जाऊं? काका जी, तुम्हें मेरे पास आना है, साईं बाबा के पास। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं,
तुम आ ही नहीं रहे। माँ सप्तशृंग देवी का साक्षात्कार होने के बाद तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। दीदी 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 दीदी, अरे क्यों गला फाड़ रहा है गोपी? दीदी दीदी, पिताजी आ गए। अकेले? नहीं, उमाकांत भैया को साथ लेकर आए हैं। कहाँ चली? उमाकांत से मिलने। बेशरम! उमाकांत ने जो मेरे लिए किया है उसका धन्यवाद करने जा रही हूँ माँ। अगर तूने कदम घर के बाहर रखा तो? आज मुझे कोई नहीं रोक सकता माँ। उमाकांत, तुम हवालात में बंद हो ये सुनकर सुकन्या बहुत रोई। इसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। तुम ठीक तो हो ना उमाकांत? अखंड लौट आया हूँ, कहीं से खंडित नहीं हुआ हूँ। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ। तुम किस भाषा में बोल रही हो सुकन्या? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और दोस्ती में आभार, धन्यवाद, कृतज्ञ ऐसे शब्द नहीं होते। मैंने मित्र होने के नाते अपना कर्तव्य पूरा किया है। बहुत भुगत लिया है मेरी बेटी ने। उमाकांत, जब बेटी दुखी होती है तो उसका बाप बेटी से भी ज्यादा दुखी होता है। पिताजी, चलो उमाकांत, वणी में कोई बाबा आए हुए हैं? बाबा? कौन बाबा? अब आजकल इंसान को पारिवारिक उलझनें सुलझाने में, अपने काम काज पर ध्यान देने में, रुपया पैसा कमाने में, जमीन जायदाद खरीदने में इतना समय लग जाता है कि उसे मालिक को याद करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए समय ही नहीं मिलता। वो सांसारिक चीजों के पीछे इतना दौड़ता है कि उसे अपने उद्धार का, अपने कल्याण का सोचने का ख्याल भी नहीं आता। जब तक इंसान आसक्ति के माया जाल में फंसा रहेगा तब तक वो मालिक को कैसे पाएगा? मालिक तो निर्विकार है और इंसान विकारों के अधीन होकर उसे पाने की कोशिश करता रहता है। निरासक्त मालिक को आसक्त होकर पाना चाहता है, निराधार को साकार में ढूंढना चाहता है। कैसे ढूंढ पाएगा? अरे मालिक को पाना है तो हमें बाहर से और अंदर से पवित्र होना चाहिए। वो मालिक जानता है कि हर कोई अपने चंचल मन पर काबू नहीं पा सकता, और जो मन पर काबू नहीं पा सकता वो मालिक के दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए मालिक अपनी उस संतान को गुरु के पास भेजता है। गुरु अपने शिष्य का मार्गदर्शन करता है और शिष्य को परम संतोष कर आनंद मिलता है। हाँ। सबका मालिक एक। प्रणाम काकाजी। प्रणाम काकाजी। प्रणाम प्रणाम, खुश रहो बेटियों, खुश रहो। काकाजी आप क्या ढूंढ रहे हो? मैं बाबा को ढूंढ रहा हूँ।
कहीं आप मंदिर के बाहर आराम करने वाले बाबा की बात तो नहीं कर रहे? बाबा मंदिर के बाहर बैठे हैं? हाँ, शिवजी के मंदिर के बाहर। जय माँ सप्तशृंगी देवी की। क्या हुआ काका जी को? काका जी भी अपनी खोई मना शांति वापस लाना चाहते हैं, लेकिन सच्चा गुरु नहीं मिला तो मना शांति और बिगड़ जाएगी। इंसान जब अपनी मना शांति खो बैठता है तब उसे पता नहीं चलता कि वो गलत रास्ते पर है या ठीक रास्ते पर, वो जो कर रहा है वो ठीक है या गलत, फिर वो भटक जाता है, बहक जाता है, जिससे वो और अधिक दुखी होता है। इसलिए सुख और दुख को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए, तभी वो ना तो दुखी होगा ना ही अपनी मना शांति खोएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। डमर पानी शूल पानी तेनट राजन, नमो 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 शीश गंग भस्म अंग। प्रणाम बाबा, प्रणाम। कौन बाबा? किसका बाबा? मुझे परेशान मत करो। जाओ, चले जाओ यहां से। उसे कोई पहचाने ना, इसलिए योगी कई बार ऐसा नाटक करते हैं। हो ना हो, मां सप्तशृंगी का बताया हुआ यही बाबा है। मुझे अपनी मंजिल मिल गई। बाबा मेरा उद्धार कीजिए। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे नशे का आनंद लेने दो, जाओ। बाबा मुझे मां सप्तशृंगी ने आपके पास भेजा है। तुम्हें? हाँ। मां सप्तशृंगी ने? हाँ। मेरे पास भेजा है? हाँ। तुम तो मुझसे भी बढ़कर नशा करने वाले हो। भांग पी ली है क्या? जो तुम्हें सप्तशृंगी माँ का आदेश मिला है इस वक्त है तुम्हारे पास? क्या बाबा, मैं नशा नहीं करता, मैं तो माँ का पुजारी हूँ। तो यहाँ क्या मेरी पूजा करने आए हो? जाओ जाओ। बाबा मुझे मना शांति चाहिए, मुझे मना शांति चाहिए। ये पूरी की पूरी पी लो, फिर शांति ही शांति, शांति ही शांति, शांति ही शांति। इसने तो मेरे मन की अशांति और बढ़ा दी। मां का बताया हुआ बाबा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काका जी प्रणाम। अरे सखाराम आओ आओ। अभी पिछले सप्ताह तो तुम मेरे और गोपी के बाल काट गए थे। गोपी जी, तुमने बुलाया उन्हें? नहीं तो। मैंने बुलाया है इसे सुकन्या के बाल फिर से काटने के लिए। इसकी सास ने ठीक ही किया था इसका मुंडन करवाकर। अब जैसे जैसे इसके सिर पर बाल उगने लगे हैं, इसके तेवर बदलने लगे हैं, मुझे आंखें दिखाने लगी है। वो आवारा उमाकांत हमारे घर के चक्कर काटता रहता है। आप समझते क्यों नहीं, ये आग है आग। खुद
भी जलेगी और हमें भी जला डालेगी, इसलिए इसका फिर से मुंडन कराना ही अच्छा है। सकाराम। पिताजी, आप कहिए ना माँ को, मुझे अपने बाल नहीं कटाने, मेरा मुंडन ना करवाए। बंद करिए रोना धोना और चुपचाप बैठ जा मुंडन कराने के लिए, नहीं तो मैं तुझे घर में नहीं रखूंगी। नहीं दीदी, रुक जाओ, तुम नहीं जाओगी। गोपी। दीदी बाल नहीं कटवाएगी माँ। अगर सखाराम ने दीदी को हाथ भी लगाया तो मैं इसके हाथ तोड़ दूंगा। काका जी मैं चलता हूँ, नमस्ते। गोपी। दीदी। गोपी मेरा भैया। दीदी। हरिओम हरिओम। भाई हो तो मेरे गोपी भैया जैसा।